हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, जो भी बिगनर्स लोग हैं, नए लोग हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे करके उन्हें इन्वेस्ट करना है, कितने रुपए उनमें अगर वे बिगनर्स हैं इन्वेस्ट करने चाहिए, वो सारे स्टेप्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और स्विंग ट्रेडिंग का जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसका बेसिक जानना होता है कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली जो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको कोई स्टॉक दिखा जिसका फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल भी उसका अच्छा है, जो उसमें ब्रेकआउट आने वाला है, तो आपने उसमें एक टारगेट सेट कर दिया कि हाँ भाई ये स्टॉक 100 रुपये का है और 110 पे जाएगा तो मैं इसमें एग्जिट ले लूँगा। आपने टाइम हॉरिजॉन रख दिया उसके लिए, अगर एक हफ्ते में जाता है, एक महीने में जाता है, इतने कम टाइम हॉरिजॉन में वो जाता है तो मैं वहाँ पे जाके प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा, और अगर वो वहाँ पे नहीं जाता तो मेरे पास एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं उस स्टॉप लॉस को काटूंगा और पोजीशन वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो ये या तो आपका उसमें क्या होगा, टारगेट हिट होगा, आपने स्विंग ट्रेडिंग बनाई, अपना पैसा इन्वेस्ट करा खुद का, ना कि आपने किसी ब्रोकर से उधार लिया, तो आप खुद का पैसा लाए, आपने खुद ही उसमें फंडामेंटल देखा और खुद ही उसमें जाके आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसमें अगर आपका टारगेट बुक होता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। इसमें ये नहीं कि आपको लंबे समय के लिए बैठा रहना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका एक हफ्ते के अंदर टारगेट आता है, आप टारगेट बुक करेंगे एंड एग्जिट कर जाएंगे, और ऐसे ही आप बार बार अच्छे स्टॉक को देखेंगे जिसका टेक्निकली अच्छा होगा, फंडामेंटली अच्छा होगा, और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे प्रॉफिट आता है तो आप वहाँ से बुक करके निकल जाएंगे और रिटर्न्स के मज़े लेंगे। तो बेसिकली यही होता है, आप अपने पैसे लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट आता है तो बुक करेंगे, वरना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर देंगे। इसमें ये नहीं कि आपको दिन के दिन में निकलना है, इसमें चाहे आपका स्विंग ट्रेडिंग एक महीने का भी हो सकता है, छः महीने का भी हो सकता है, तीन महीने का भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना आपका टारगेट है, कितना आपका स्टॉप लॉस है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कर कौन सकता है, सब लोग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के पास करने के लिए आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 20 से 30 हज़ार रुपये ला के आप स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, स्टूडेंट लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो बिजनेस करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, जो जॉब्स करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो इंट्राडे में क्या होता है, आपको 9:30 से 3:30 बजे स्क्रीन पर बैठना होगा, स्क्रीन देखनी होगी, और जब आप देखेंगे तभी वहाँ पे इंट्राडे में आप ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आपने कंपनी का फंडामेंटल देख रखा है अच्छा है या नहीं है, आपने एक उसमें एंट्री प्राइस फिक्स कर दिया, और जब भी वो एंट्री आपको दिखती है सीधा आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर लगा देते हैं, स्टॉक बाय करके आराम से बैठ जाते हैं। तो इसमें आपको डेली स्क्रीन नहीं देखनी रहती, बहुत ही ईजी है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको आराम करने हैं मज़े से, अब आपको सिर्फ रेगुलर एक दो बार दिन में चेक करना है कि मेरा जो स्टॉक का प्राइस है वो कहाँ पे चल रहा है, कितना चल रहा है। आपने ऑटोमेटिकली उसमें सेट कर रखा है कि यहाँ पे टारगेट जाता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा, इसमें ना आपको रेगुलर स्क्रीन देखनी है, बहुत ही ईजी होता है। तो जो जिन लोगों के पास टाइम की कमी है वो लोग ज़रूर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें आपको रेगुलर स्क्रीन पे नहीं बैठना है, और इंट्राडे में क्या है, आपको रेगुलर वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और सेकंड आता है, इसमें आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बड़े टाइम फ्रेम को देख के करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी के टेक्निकल्स क्या है, उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम इससे लॉस आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बेनिफिट क्या है, इसमें आप लॉन्ग रैली पकड़ने के आपको चांस मिलेंगे। अगर कोई सेक्टर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अच्छा चल रहा है तो आपको एक महीने के अंदर 15% 20% ईजिली मिल जाएगा, अगर आपने एक अच्छी पोजिशन में एंट्री ले रखी है, जो कि अगर आप इंट्राडे में करते हैं आपको दिमाग में झिकझिक रहेगी कैसे मैं इंट्राडे में निकालूं, आपका वहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा लगेगा। तो फिफ्थ बेनिफिट यही है आपका स्विंग ट्रेडिंग का, कि आपको चार्जेस भी वहाँ पे कम देना पड़ेगा। इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन भी करोगे तो आपको 40 रुपये ट्रेड का देना होता है, और इंट्राडे MIS वाले में वहाँ भी आपको चार्ज देना पड़ता है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे आपको टेंशन फ्री रहना है, आपका चार्ज भी बहुत कम जाने वाला है। तो इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिलते हैं। तो जैसे कि हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का भी आपके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि इंट्राडे में क्या होता है, आपको 9:30 से 3:30 बजे तक आप ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें ही जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है आपको वहाँ पे दिख जाता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई पोजिशन वहाँ पर बना रखी है
मान लीजिए आपने ITC में इन्वेस्ट कर रखा है और कल के दिन ITC में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आपका जो आपने पोजीशन बनाई है उसमें नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लीजिए ITC ने बेकार रिजल्ट पोस्ट करा है, तो क्या होगा अगर आपकी पोजीशन कोई अच्छे खासे प्लस परसेंट में चलेगी, 3% प्लस में चली एग्जाम्पल पे, तो वो सारी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका टाइम की वैल्यू वो जा रही है जो आपने गेन करा, तो इसी जो आपका टाइम हॉरिजॉन है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हम कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। सेकंडली क्या है, आपका ट्रेडिंग में आपको स्पेकुलेशन भी देखने को मिल जाती है। मान लीजिए कोई एकदम से बड़ा ट्रेडर आता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, वो किसी स्टॉक में एंटर करता है, तो वो किसी स्टॉक को उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें स्पेकुलेशन भी देखने को मिल जाती है। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, इसलिए इसका नाम स्टॉक मार्केट। एक डिसएडवांटेज और यहाँ पे हम देखने को मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आप इंट्राडे करते हैं आपको पता है आप उसमें सेल भी कर सकते हैं बाय भी कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास कैश है और मार्केट पूरा बियर मार्केट चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्योंकि आप बाय करते हैं सेल तो कर नहीं सकते कैश में पोजीशन, तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है, तो ये आपका ये डिसएडवांटेज हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। बाकी स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने बना रखी है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बना रखी है। तो वीडियो को एंड करेंगे, धन्यवाद।